अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक हो गया आपका नदर व्लॉग और एक नए दिन के साथ। तो आप सबको जुमा मुबारक। अभी जो है वो मैं सो के उठी थी थोड़ी देर पहले ही, तो मैं अपना व्लॉग जो है वो एडिट कर रही थी और एक दो ज़रूरी काम कर रही थी, वो मैंने उठते साथ लाजमी करने होते हैं। तो बाकी ये है कि मैं जो हूँ वो अभी शावर मैंने रात भी ले लिया था, मतलब फजर के वक्त ले लिया था। फजर की मैं इसलिए रूटीन ही बना रही हूँ क्योंकि ना फजर से थोड़ी देर पहले जो मैं अक्सर सो जाती हूँ और फिर मैं फजर के टाइम पे उठती हूँ तो फिर मेरी आँखें इतनी ज़्यादा स्वेल हुई होती हैं, रेड हुई होती है, तो फिर मेरा दिल नहीं करता उस टाइम पे जो है वो व्लॉग बनाने को। तो फिर मैं इसलिए जो है फजर की रूटीन नहीं दिखा रही, पर मैं फजर की नमाज़ पढ़ रही हूँ। तो अभी यह है कि जोहर की नमाज़ अजान होने वाली है बस। तो अभी जो है मैंने व्लॉग एडिट कर दिया था, तो अब मैंने इसको अपलोडिंग पर लगाया हुआ है। वो अपलोड होता है तो फिर मैं जो है ना फिर मैं वो हो जाएगा, तो तब तक मैं जो फ्रेश होती हूँ, मैं कहवा पीती हूँ, तब तक अजान हो जाएगी, फिर जो है वो मैं नमाज़ पढ़ूँगी, कुरान पाक पढ़ूँगी, क्योंकि मैंने सुबह कुरान पाक नहीं पढ़ा। तो अभी मेरे पास टाइम है और आज मेरा कॉलेज का कोई होमवर्क भी नहीं है, तो मैं जो है वो पहले अपना कुरान पाक पढ़ लेती हूँ, उसके बाद जो है वो फिर नाश्ता करूँगी। तो अभी ये है कि आप लोग जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को अपने प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि हर नई आने वाली वीडियो अब तक जल्दी से पहुँच जाए। तो ये प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। आने वाले वक्त में मैं आपको एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ देने वाली हूँ, तो फिर आप लोगों को चाहिए ना कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, तो आप लोग साथ ही रहोगे तो फिर ही मैं आपको सुना सकूँगी। तो अभी ये है कि मैं जल्दी से फ्रेश होती हूँ और कहवा पीती हूँ। यहाँ पे जो है वो मैं कावा बना के ले आई थी और ना मतलब पानी बहुत ज़्यादा गर्म था, तो मैं चेक कर रही थी कि पानी पीने पी सकती हूँ इसलिए कि नहीं पी सकती हूँ, पर अभी जो है वो बहुत गर्म था, जिसकी वजह से जो है मैंने राम राम से बहुत पिया था। और फिर जो लहसुन था वो भी मैंने थोड़ा सा लास्ट में ही जो है वो खाया था, क्योंकि पानी इतना गर्म था कि मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी थी कि मैं उसको कैसे खाऊँ। तो फिर जो है वो लास्ट तक जो है मैंने साथ साथ कुछ बातें सोची अपने बारे में और कुछ चीज़ें सोच रही थी, तो साथ ही मैंने जो कावा पी के ख़त्म कर लिया। उसके बाद जो है वो मैंने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो मैंने जान नमाज पे बैठ के जो है वो तस्बीह की दुरूद शरीफ पढ़ा, मैंने दुरूद शरीफ पढ़ के मैंने और उसके बाद जो है वो कुछ एक दो तस्बीहें और करनी थी वो की थी, और नमाज और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद जो है वो मैंने सूरत यासीन और कुरान पाक पढ़ा था। सूरत यासीन का ये कोई ख़ास वर्ड होता है जो कि मैंने मेरे पास एक ये किताब है जुमे के दिन पढ़ते हैं, इसमें मुख्तलिफ सूरतें भी होती हैं। तो वो पढ़ने के बाद जो है मम्मा ने मुझे आवाज़ दी थी कि अगर फ्री होगी तो किचन में आ जाओ अब। तो मैं यहाँ पे मम्मा जो है मम्मा अपने लिए मेरे लिए नाश्ता बना रही थी, पराठा बनाया था काफ़ी दिनों बाद, मैंने रमज़ान के बाद जो है वो ये शूट किया था, तो एक अंडा भी बनाया था, बाद में सालन जो है वो साथ रात वाली भिंडी थी, तो एक हाथ से ही सही तरह मिक्स नहीं हो रहा था। तो फिर जो है ऑफ़ कैमरा मैंने इसको अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लिया था, साथ चाय भी रख दी थी। तो नाश्ता मैंने और मम्मा ने ही बस करना था, क्योंकि आप लोगों को मैंने उस दिन भी बताया था कि जो आप ही हैं वो डाइट पे चली गई हुई हैं, तो वो डाइट पे हैं, तो उनका जो है वो हमारे से डिफरेंट खाना होता है, तो वो फिर जो है वो अलग खा रही होती हैं, मतलब खा लिया होता है उन्होंने ऑलरेडी। तो यहाँ पे अंडा भी बनाया था, तो मम्मा अंडा बना रही थी, मैं ऐसा ऐसा शूट कर रही थी, तो बस इतना ही शूट किया था। उसके बाद जो है इतनी भूख लगी हुई थी, क्योंकि रात का खाना खाया होता है 8-9 बजे का, तो जिसकी वजह से सुबह तक जो है वो बहुत भूख लगने लग जाती है। मम्मा ने जो है वो काफ़ी दिनों से जो है वो घर में अचार डाला हुआ है, तो मम्मा का हाथ का अचार बहुत मज़े का होता है। तो यहाँ पे जो है मैं अभी इसको हिला रही थी, क्योंकि अच्छी तरह इसको मिक्स करना भी बहुत ज़रूरी है, वरना ये ख़राब हो जाता है। यहाँ पे मम्मा ने अभी इसमें ऑयल जो है वो मतलब सरसों का तेल जो है वो इसमें और भी डालना है, तो आज या कल में मम्मा डालेंगी, क्योंकि ये सरसों के तेल में स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा नहीं डालते हैं, तो बाद में जब ये एडजस्ट हो जाता है तो इसमें सरसों का तेल जो वो ऐड कर लेते हैं, और फिर जो मैं आप लोगों का अचार जो है वो बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पे जो है वो खाना खाने लग गए थे, अचार को तोड़ने में मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की थी, तो रात वाली भिंडी और अंडा और बस अचार था, बड़ा मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह से खाना खाने का। आप लोग भी अचार नाश्ता कर लें, बहुत टेस्टी है, अचार तो बहुत ही मज़े का था, मतलब अभी जो है ना मेरा दिल करने लग गया मैं दोबारा से जो है वो अचार खा लूँ, पर मैं इतनी मतलब इतना ज़्यादा ना मतलब इसमें जो होती है ना गाजर वगैरह वो भी बड़ी मज़े की लगती है, पर अभी जो है मम्मा ने वो नहीं डाली हैं। उसके बाद जो है मैं सारे बर्तन किचन में रख के आई थी, और फिर चाय भी ले आई थी। चाय ले के आने के साथ साथ जो है वह मैंने लैपटॉप ऑन कर लिया था, क्योंकि मुझे जो है वो चैनल पे कुछ काम करना था और एक दो और काम थे जो वो मैंने लैपटॉप से ही होते ऑन करने होते हैं, तो इसलिए जो है वो मैंने ऑन किया था। और अपने कुछ काम करने के बाद जो है वह मैं फ्री हो गई थी, फ्री होने के बाद जो है लाइट चली गई थी, पर अभी मैं काम कर रही थी तो लाइट चली गई थी, फिर मैंने दोबारा जो है लैपटॉप ऑन नहीं किया। यहाँ पर माशाल्लाह मेरी मम्मा के बाल देखे, मेरी मम्मा जो है वो मेरे से ही बाल बनवाती हैं, तो यहाँ पे मैं मम्मा के अपने बाल बना रही थी। उसके बाद जो है मैंने वज़ू किया, वज़ू करने के बाद जो है मैंने अबाया फ़ौरन पहन लिया और साथ में अपनी सनस्क्रीन लगाने लग गई थी, और साथ साथ जो है मैं अपनी आपी से बात कर रही थी। यहाँ पे जो है सनस्क्रीन मैंने बड़ी जल्दी लगा रही थी, क्योंकि मैंने जो है असर की नमाज़ पढ़ के जाना था, वहाँ पर जब मैंने कल नमाज़ पढ़ी थी तो मेरी जो नमाज़ है ना वो लेट हो गई थी, तो मेरा दिल नहीं माना, मैंने कहा मैं ऐसा करूँगी कि अब मैं अबाया पहन के जल्दी से नमाज़ पढ़ लिया करूँगी और फिर फ़ौरन जो है वो कॉलेज के लिए निकल जाया करूँगी। तो यहाँ पे मैंने ना तैयार हो गई थी, मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मैं काजल लगाऊँ,
अच्छा मैंने काजल लगा तो लिया, पर काजल लगाने के बाद जो मेरे साथ हुआ है ना, आप लोगों को क्या बताऊँ, मेरी आंखें इतनी खौफनाक लग रही थी ना उसके बाद, क्योंकि मुझे काजल बड़ा लगाना पसंद है, अच्छा भी लगता है, पर ये कि वो फैल गया सारा। अब मम्मा मुझे कहें तुमने क्या लगा लिया अपनी आंखों में ये तो वो। बाकी आज हमारी टीचर जो है वो नहीं आई थी, जो वो कहीं मतलब ऑफिस में ही बिजी थी, जिसकी वजह से जो है वो फ्राइडे को हमें सर ने लेक्चर दिया था, तो लास्ट फ्राइडे भी मुझे याद है कि सर ने ही लेक्चर दिया था। तो यहाँ पे जो है वो सर लेक्चर दे रहे थे, काफ़ी अच्छा लेक्चर था, सर ने भी जो लेक्चर दिया था, पर जो टीचर के साथ मतलब मज़ा आता वो हमने मिस कर दिया था, क्योंकि सर जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, बहुत ही सीरियस हैं। तो पर टीचर जो हैं वो बातें करती हैं, मतलब अच्छा लगता है उनसे, कंफर्टेबल हो जाता है इंसान बात कर लेता है। तो यहाँ पे सर ने जस्ट पूरे 2 घंटे बस आप लोगों को लेक्चर ही दिया हमें तो, बस और इसके अलावा कुछ ही नहीं किया सर ने। तो पूरे 7 बजे जो है वो लेक्चर हमारा जो है वो ऑफ हो गया था, मतलब पहले भी नहीं हुआ और बाद में भी नहीं हुआ, पूरा 7 बजे जो है वो ऑफ हुआ था। तो फौरन जो है वो घर के लिए निकल आए थे घर, और यहाँ पे रोड क्रॉस करना सबसे बड़ा महाज होता है एक मेरे लिए, क्योंकि मुझे रोड क्रॉस करना सबसे ज़्यादा बुरा लगता है, इसलिए क्योंकि जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ हुआ है तो मुझे ना बड़ा खौफ आता है कि बस कुछ मुझे आएगा और हिट कर जाएगा और मैंने वो झूठ जाके गिरना है, बस मुझे वो वाला अपना सीन जो एक्सीडेंट का था ना वो नहीं भूलता कभी भी। आई थिंक मुझे वो मेरे दिमाग में बैठ गया, मुझे उससे खौफ आता है बस रोड एक्सीडेंट दोबारा ना मेरा हो जाए। तो बस उस बार घर आई, घर आके मैंने फ़ौरन जो है वो मगरिब की नमाज़ पढ़ी। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं किचन में चली गई, किचन में जाके मैंने जो है बर्तन धोए सारे, कुछ थे जो नाश्ते के भी पड़े थे, तो वो धोने के बाद जो है मम्मा ने कहा टैंक बना लो, मैंने टैंक बनाया, मम्मा ने मैंने टैंक पिया, और उसके फ़ौरन बाद जो है वो मैं खाना बनाने जो है वो किचन में आ गई। तो यहाँ पे जो मैंने लहसुन अदरक के पेस्ट को जो है वो घी में मतलब अच्छी तरह जो है वो कलर देना था, तो मैंने अभी बस चावल भी भिगो लिए थे, साथ जो दाल थी ये मूंगी की दाल होती है छिलका वाली, तो ये मम्मा छिलकों समेत ही भिगोती हैं, फिर इसके बाद जो है वो जैसे वक्त के साथ भीगते रहते हैं ना, तो फिर मैं जो इसके छिलके जो हैं वो उतारती हूँ। तो यहाँ पे किचन भी जो है वो मैंने ऑलरेडी नीट एंड क्लीन कर लिया हुआ था सारा, और टमाटर जो हैं वो भी मैंने काट के रख लिए हुए थे। टमाटर काटने के साथ साथ जो है आपी ने जो है वो अपने लिए भी लहसुन बनाया हुआ था, आपी ने अपने लिए खाना जो है वो अलग बनाना था, तो यहाँ पे जो है मैंने थोम और लहसुन का जो था वो पेस्ट कलर आ गया हुआ था, तो मैंने इसमें जो पानी ऐड करने के बाद जो है इसकी हमने स्मेल ख़त्म करनी होती है, तो इसको भी जो है 5 से 10 मिनट तक जो है वो अच्छी तरह से जो है ना भूनते हैं। जब अच्छी तरह भून जाता है ना तो इसमें जो है वो मैंने जो टमाटर काट के रखे हुए थे वो ऐड किए, ऑल स्पाइसेस जितने भी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, नमक, सूखा धनिया, नमक, ये सब चीज़ें जो हैं वो मैंने ऐड कर दी थी, हल्दी भी ऐड कर दी थी, और अब जो है वो मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से जो है वो भूनना था ताकि तमाम मसाला जो है वो गल जाए, टमाटर अच्छी तरह गल जाए, साथ चावलों का पानी जो है वो भी मैंने रख दिया हुआ था ताकि साथ साथ जो है वो खाना कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि उसके बाद जो है वो अपी ने भी अपना अपने लिए कुकिंग जो है वो करनी थी। तो यहाँ पे मैंने दाल को सारे अच्छी तरह वॉश करके जो है वो ऑलरेडी रख लिया था, और इसलिए मैंने जो है वो एकदम डाल दी थी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारी दाल को अच्छी तरह वॉश किया था कि कुछ है तो नहीं ना दाल में, तो नहीं था कुछ दाल में, तो जो है वो मैंने वॉश करके इस तरह जो है वो दाल, जब मेरा मसाला अच्छी तरह गल गया तो मैंने इसमें दाल ऐड कर दी। दाल ऐड करने के बाद जो इसको अच्छी तरह 5 से मिनट तक पकने दें, और उसके बाद फ़ौरन जो है थोड़ा सा पानी ऐड कर दें, अगर तो आप ढक्कन लगा के जो है वो ढक्कन रख के मतलब कुछ देर इस तरह ही पकने देना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल होता है, पर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो जो है वो आप प्रेशर कुकर भी मतलब प्रेशर लगा के भी जो है 5-3 मिनट से 4 मिनट का प्रेशर लगा के जो है वो भी दाल को गलने के लिए रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो दाल वगैरह गल गई थी, मैंने धनिया इसमें गरम मसाला जो है वो सब कुछ ऐड कर दिया था, तो यहाँ पे मेरी दाल रेडी हो गई थी। दाल रेडी करने के बाद जो है चावल अभी दम पे थे, तो पर मुझे ना बाज़ार जाना पड़ गया था, बाज़ार जो गई मेरा बस वेस्ट ही गया टाइम। मैं बाज़ार गई थी मेहंदी लेने, मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं मेहंदी लगाऊं, तो मैं जो मेहंदी लेने गई तो मुझे जहाँ शॉप से मैं लेती हूँ वो शॉप जो है वो बंद हो चुकी थी, पर मैं थोड़ा डिसहार्ट भी हुई। उसके बाद जो है वो मैंने बड़ा स्ट्रगल किया, पर अच्छी मेहंदी जो ढूंढना है ना वो बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पे सबके पास जो है ना वो अर्क वाली मेहंदी होती है, मतलब अर्क वाली मेहंदी इतनी अच्छी नहीं होती है, उससे आपके हाथों में जो है ना वो जलन होती है। तो मैंने जो है बड़ी मुश्किल से बहुत ज़्यादा शॉप्स विज़िट करने के बाद जो है मतलब मैंने बीच में ऐड नहीं की इतनी, मैंने जो है शॉप्स देख ली थी, बंद भी हो रही थी मार्केट, तो मैंने यहाँ पे चेक कर रही थी कि ये अर्क तो नहीं है, मतलब अर्क ही था, तो फिर भी मुझे जो है वो एक कहकशा मेहंदी मिल गई थी, वो लेके घर आ गई। फौरन घर आके जो है वो मैंने खाना लगाया, खाना खाने लग गए, तो खाना खा के जो है वो मतलब मैं अब यकीन करें जब खाना खा रही थी ना तो मेरी हिम्मत ख़त्म हो गई थी कि मेरे से खाना भी नहीं खाया जा रहा था, पता नहीं क्या हुआ था, एकदम से जो है वो तबीयत अजीब सी हो गई थी। तो उसके बाद जो है मैंने खाना खाने के बाद नमाज़ पढ़ी थी, नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो मैंने बस बस अभी जो है मैं इस व्लॉग को यहीं पे करने लगी हूँ एंड, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह से आज का दिन भी बहुत अच्छा गुजरा है, डेली गुजरा है अच्छा। तो अभी मतलब जब मैं बाज़ार गई थी तो इतनी मुश्किल से मुझे मेहंदी मिली है ना, पर मिल गई है, पर जो मैं लेने गई थी वो तो नहीं मिली मुझे, ये कोई है
कहकशां की मैंने दी, तो ये 100 रुपीज़ की मिली थी मुझे। तो बाकी वो 50 में भी जो लेके आती हूँ ना, वो भी बहुत अच्छी होती है। बाकी आज मैं ट्राई करूँगी तो पता लगेगा किस तरह की है। और मेहंदी लगाने का मकसद ये है कि बस लगाने को दिल कर रहा था, तो मैंने कहा चलो लगा लेते हैं मेहंदी। काफ़ी देर होगी मैंने मेहंदी नहीं लगाई है, और आप लोगों को पता है मुझे मेहंदी लगाने का कितना शौक है। तो बस मैं मेहंदी इसलिए लेके आई हूँ, और कोई खास वजह नहीं है, कहीं जाना भी नहीं है। तो मैंने आप लोग सबका थैंक यू कहना था, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह से आप लोग मुझे मेरे वीडियोज़ पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है और मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल रही है आप लोगों की वजह से। तो इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, इंशाल्लाह एक दिन हम ग्रो करेंगे बहुत ज़्यादा वाला। तो अब मेरे साथ आपने ऐसे ही जुड़े रहना, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना डेली। मैं भी आप लोगों के लिए आ रही हूँ, और आप लोगों ने भी डेली मेरी वीडियोस पे आना है। नेक्स्ट व्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिए। नेक्स्ट व्लॉग तक मेरा इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अभी जो मैं डिज़ाइन लगाऊंगी ना मेहंदी का, उसके लिए थोड़ी सी वीडियो या और पिक्चर बनाऊंगी, वो आप लास्ट पे देखना, वो मैं ऐड कर दूंगी एंड पे, क्योंकि मेहंदी भी तो दिखानी है ना मैंने आपको।